तो दोस्तों वीडियो को शुरू होने से पहले आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप के अंदर आपको ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन, आईपीएल टीम एंड शेड्यूल और इसके अलावा आपको वीवो आईपीएल के रिकॉर्ड, प्लेयर्स न्यूज़, लाइव स्कोर सारी फैसिलिटी एक ही ऐप के अंदर मिल जाती है। बहुत ही अच्छा ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी जाके डाउनलोड करें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। 14 तारीख को पुलवामा अटैक, उसके बाद से देश में क्रोध है, गुस्सा है, दुख है, लेकिन खेल के मैदान में एक बड़ा सवाल उठता है हर रोज। दो वर्ल्ड कप मुकाबले पाकिस्तान के साथ खेले हैं, दोनों मुकाबले भारत ने जीते हैं। हम और आप क्या सोचते हैं, इससे अलग यह भी देखना होगा कि खेल के मैदान में क्या चल रहा है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, चारों क्रिकेटर्स एक साथ इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि वो देश के जवानों के साथ खड़े। सवाल यह है कि क्या आप आईसीसी टूर्नामेंट में क्रिकेट का मैच छोड़ सकते हैं? आप दो सूरत हाल में वर्ल्ड कप का मैच छोड़ सकते हैं। सुरक्षा, जिसका हवाला देते हुए ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज 1996 में श्रीलंका नहीं गए थे, 2003 में केन्या में होने वाले मुकाबले को खेलने न्यूजीलैंड की टीम भी नहीं गई थी सुरक्षा के मद्देनजर। और दूसरा होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का हवाला देते हुए, इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलने जिम्बाब्वे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ नेशनल ह्यूमन राइट्स जो वहां पर थे, तो इंग्लैंड ने उस पर आपत्ति जताई, नहीं गया था। उसके अलावा आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में मना नहीं कर सकते। हरभजन मेरे साथ है। हरभजू, कल की आपकी तस्वीरें देखी, आप थे, सहवाग, रायना, मोहम्मद कैफ सब थे, पूरा देश आहत है और खिलाड़ियों ने भी हाथ खड़ा करके किया कि हम देश के जवानों के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये देखिए मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि जो अटैक हुआ है वो एक ऐसा हादसा हुआ है कि हमें किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और हम सब हिंदुस्तानी इसमें शरीक हैं, भाइयों से कंधा मिला के चलने का टाइम है, और जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो हमारी सरकार जो है वो ज़रूर लेगी, मुझे उम्मीद है। बट जहाँ तक हम क्रिकेट की बात करें, अगर क्रिकेट पाकिस्तान के साथ होनी या नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ हमें कोई रिश्ता नाता भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर इसी लिहाज से वो पेश आते जाएंगे, हमारे जवानों के ऊपर वो बार बार प्रहार करेंगे, या कभी सीमा के ऊपर सुरक्षा को लेकर के हमारे देश में खलबली मचाएंगे, तो हमें नहीं लगता है कि उनके साथ कोई संबंध रखने की ज़रूरत है, कोई क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश की जो मेन चीज़ है कि हम पहले वार नहीं करते हैं, अगर हम हमारे ऊपर कोई बार बार वार करे तो उसका जवाब हमें जरूर देना चाहिए। तो बड़ी खबर यह है, हरभजन सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी खेल में रिश्ता नाता नहीं रखना चाहिए, लेकिन सीधा सवाल यह कि वर्ल्ड कप आज से 4 महीने बाद वो मैच है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आज अगर भज्जू फैसला लेना हो, क्या आप चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप का मुकाबला खेले? देखिए नहीं खेलना चाहिए मेरे लिहाज से, देखिए ये पहले जो है वो देश आता है और हम सब देश के साथ खड़े हैं। क्रिकेट या फिर हॉकी या स्पोर्ट्स जो है वो बहुत साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बार बार हमारे भाइयों के ऊपर वहाँ हमले होते हैं, हमारे जवानों को शहीद कर दिया जाता है और अटैक किए जाते हैं, तो हम सबको अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, और हम सब खड़े हैं देश के साथ। क्रिकेट या फिर हॉकी या कोई भी स्पोर्ट्स, हमें इनके साथ खेलने की जरूरत ही नहीं है। और भले ही इसके लिए आपको पॉइंट्स देने पड़े, क्योंकि अब तक लोग ये कह रहे थे ना कि बायलैटरल क्रिकेट तो भारत पाकिस्तान खेलता नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप है तो आप बैकआउट नहीं कर सकते, वो आईसीसी इवेंट है। बावजूद इसके आप चाहेंगे कि वर्ल्ड कप में अगर 2 पॉइंट छोड़ने भी पड़े तो भी आप छोड़ेंगे? जी बिल्कुल, देखिए उसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपको ये 2 मुकाबले छोड़ने पड़े तो छोड़ने चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनके साथ हमारी इतनी जो है वो चाहे जंग जारी है या फिर वो बार बार हमारे देश के ऊपर अटैक कर रहे हैं और हम उनके साथ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर हमें ये 2 मुकाबले नहीं भी खेलने होंगे तो नहीं खेलेंगे, और हम इतने ताकतवर हैं कि ये 2 मुकाबले बिना खेले भी हम आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, हरभजन सिंह ने हाथ खड़े करके ये कहा है कि अगर वो
पाकिस्तान का मुकाबला छोड़ना पड़े छोड़ दो, भारत इतना ताकतवर है कि बिना पाकिस्तान के उस मुकाबले को, उस मैच को कंसीड करने के बावजूद भारत आगे जा सकता है। हालांकि हरभजन खुद 2003 2011 वो दो मैच जीते हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। 2003 में आपको याद है सेंचुरियन में वो मुकाबला हुआ था, 2011 मोहाली में वो मुकाबला हुआ था। और पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड कप को छोड़ने की बात की है। 16 जून को मैनचेस्टर में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला होना है और हरभजन का मानना है कि बंदूक और बल्ला साथ साथ ना चले, भारत पाकिस्तान के बीच बायलैटरल क्रिकेट नहीं है और अगर आईसीसी इवेंट में भी भारत को पाकिस्तान को यह मुकाबला कंसीड कर देना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। तो जो आप कल साथी क्रिकेटर्स के साथ भी थे, आप मोहम्मद कैफ के साथ थे, वीरेंद्र सहवाग के साथ थे, सुरेश राणा के साथ थे, और भी खिलाड़ियों से आपकी बात हुई होगी, आई एम श्योर कि जो करंट प्लेयर है उनसे भी आपकी बात हुई होगी इस मुतल्लिक। आपको लगता है कि सब एक मंच पर एक विचार के साथ ये मत रखेंगे कि अगर वर्ल्ड कप छोड़ना तो छोड़ दिया जाए? जी देखिए, सबसे पहली बात तो हम जब आपस में करते हैं तो हम आपस में ये बात करते हैं कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल, और उसके बाद हम क्रिकेटर हैं, उसके बाद हम कुछ और चीज़ें हैं। और आज हमारे अगर भाइयों के ऊपर या फिर हमारे देश के ऊपर कोई हमले हो रहे हैं और उसमें अगर पाकिस्तान का हाथ है तो फिर हमें इनके साथ किसी तरीके का संबंध नहीं रखना चाहिए, फिर वो चाहे उनके साथ क्रिकेट खेलने का संबंध हो या फिर उनके साथ व्यापार का संबंध हो या किसी भी चीज़ का संबंध हो। हम इतने ताकतवर हैं, हिंदुस्तान इतना ताकतवर है कि अपने बलबूते पे हम दुनिया को खिला सकते हैं, हम इतना अनाज यहाँ पे पैदा करते हैं। और ये देखिए बहुत बड़ी चीज़ है ये क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स, ये बाकी चीज़ें हैं ये बहुत छोटी हैं। पहले हम हर एक हिंदुस्तानी के साथ खड़े हैं, हर एक उस फौजी के साथ खड़े हैं, हर उस फौजी की फैमिली के साथ आज खड़े हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने हम सब के लिए अपना बलिदान दिया है और ये बलिदान जो है ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सबको कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ना चाहिए और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या किसी भी तरीके का मैच हो, पहले मेन चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए इनके साथ। वो गवर्नमेंट कैसे उसको डील करती है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कैसे डील करती है, वो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो उस चीज़ को डील करेंगे, बट जब तक वो समस्या हल नहीं हो जाती है हमें स्पोर्ट्स नहीं खेलनी चाहिए इनके साथ, चाहे वो वर्ल्ड कप का मैच हो या किसी भी तरीके का मैच हो। बच्चों, क्रिकेट के हलकों में काफ़ी इज्जत थी इमरान खान की, हम भारत में बड़ी इज्जत करते थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान में, हमें लगा कि चलो यार एक खिलाड़ी आया है, एक ऐसा शख्स जो भारत को भी अच्छी तरह से जानता है, जिसे भारत में इतनी इज्जत मिली है। क्या आप इमरान खान के रवैये से हैरान हैं, आप डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हैं? देखिए, इमरान खान की अगर बात करें तो वो इस समय मौजूदा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी तक उनकी तरफ से कोई जो है वो ऑफिशियली बातचीत तो हमें तो नहीं पता है कि हुई या नहीं है भारतीय गवर्नमेंट के साथ, बट कुछ ना कुछ तो ज़रूर डिस्कशंस आगे आने वाले समय में होंगी और मुझे लगता है कि वो डिस्कशंस जो होंगी वो दोनों देशों के लिए जो है वो बेनिफिशियल होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता था कि इमरान खान के आने से जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होंगी, भारत के रिश्ते जो हैं वो पाकिस्तान से मजबूत होंगे। और देखिए, बहरहाल सब यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे, बट अगर ऐसे चीज़ें होती रहेंगी, हमारे सैनिकों के ऊपर वार होते रहेंगे और शहीद किए जाएंगे हमारे सैनिक, तो फिर भारत चुप बैठने वाला नहीं है और भारत को बखूबी जवाब देना आता है, उसमें कोई शक नहीं है। और हमें पूरा ये इस चीज़ का एक कहते हैं कि अंदाज़ा भी है और सम्मान भी है अपने पूरे सैनिकों के ऊपर। वो अगर उनको खुली छुट्टी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सेना को खुली छुट्टी दी जाएगी, जैसा करना चाहेंगे, वो डिसीजन जो है वो ऊपर वाली जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं वो लेंगे, बट हम बतौर क्रिकेटर ये ज़रूर कह सकते हैं जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होता है हमें स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हम भारतवासियों के साथ खड़े हैं, हर एक सैनिक के साथ खड़े हैं और हमारा फर्ज बनता है कि जब तक ये मामला सॉर्ट आउट ना हो हमें क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए उनके साथ। मुझे एक और सवाल इसी से जुड़ा, आपने कहा कि भले ही भारत लीग मैच छोड़ दे पाकिस्तान के खिलाफ, भारत में इतनी ताकत है सेमीफाइनल और फाइनल में जाने की। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लोग कुछ ये भी कहते हैं कि भैया ठीक है
आपने उनसे बदला लेना है मैदान पर भी लीजिए, क्योंकि जब 99 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, करगिल लड़ाई चल रही थी, तो सरहद पर भारत के जवानों ने दिवाली मनाई थी, जीत का जश्न ऐसे मनाया गया था। दूसरा उससे जो जुड़ा तार है वो ये भी है कि अगर भारत सेमीफाइनल या फाइनल में जाता है और खुदा ना खास्ता उधर से पाकिस्तान भी आ जाए, उस वक्त भारत क्या करे। देखिए वो एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी कि वहाँ भारत क्या करेगा, बट बहरहाल तब तक हमें, मुझे लगता है कि हमारे सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ निर्देश मिल जाएंगे कि क्या करना चाहिए। और हम लोग बहुत छोटे हैं इस चीज़ को लेकर के कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस देश को संभाल रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा हल ज़रूर निकालेंगे जिसमें कि भारत का पलड़ा जो है वो भारी रहे और आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। क्योंकि अगर सेमीफाइनल में मैच पड़ता भी है या फाइनल में मैच पड़ता है, तब तक देखिए हमारे पास अभी वो जून जुलाई के लिए बहुत लंबा समय है, उससे पहले पहले मुझे लगता है कि इस मसले का जो हल जो है वो ज़रूर निकलना चाहिए। और किस लिहाज से निकलेगा वो तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जानते हैं, या फिर जो बाकी के बड़े उच्च अधिकारी हैं इस देश के वो जानते हैं, और हम सब भारतीय इकट्ठे हैं। और यही कहना चाहूँगा कि हमारी ताकत जो है वो उसको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और उसका हम सबको बहुत शोक है, और यही है कि जवानों को तो हम हमेशा सलूट करते ही हैं। आज हम अपने घरों में बैठे हैं, खुशहाली से घूम रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन जवानों के कारण है जो सरहद के पार खड़े होकर हमारे देश को बचाते हैं। और अगर जवान नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, खेल की हार जीत जवानों की खुशी और उनके गम के साथ जुड़ी थी, लेकिन आज हरभजन सिंह पहले ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने मंच पर आकर कहा है कि खेल हो या कुछ भी हो, अगर पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप का मुकाबला भारत को छोड़ना पड़े छोड़ दो, जब तक समस्या का हल नहीं भारत के तरीके से मिलता, अब वर्ल्ड कप का मैच छोड़ना भी हो तो भी भारत को दोबारा सोचना नहीं चाहिए। यह बड़ी खबर है और इसी पर आज हमारे स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर चर्चा होगी रात 8 बजे। हालांकि हरभजन सिंह को आपने लाइव सुना है, बाकी और रिएक्शंस क्या है वो भी आपको 8 बजे सुनाए जाएंगे। आपको फटाफट यूट्यूब पर जाना है, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है, बल्ला और बंदूक साथ साथ नहीं होगा यही मैसेज आ रहा है, लेकिन वहां पर आप 8 बजे स्पोर्ट्स तक के साथ हमारे साथ होंगे। लेकिन यहां पर एक ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं।